उदाहरण 6, निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5। हमारे पास वर्गमूल 3 को गुणा करना है वर्गमूल 5 से। तो वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 5 के लिए सबसे पहले हम इन दोनों संख्या को वर्गमूल में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 3 गुणित 5, जिसे हमने वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिखा, बराबर वर्गमूल 3 × 5 = 15। तो यहाँ वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 5, क्योंकि ये दोनों वर्गमूल है, तो वर्गमूल का गुणा करने के लिए हम वर्गमूल के चिन्ह के अंदर में दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 3 गुणित 5 बराबर वर्गमूल 15। यह इस उदाहरण का हल होगा। 2 वर्गमूल 3 गुणा 7 वर्गमूल 2। हमें 2 वर्गमूल 3 गुणित 7 वर्गमूल 2 का गुणा ज्ञात करना है। इसके पहले सबसे पहले हम गुणा करने के लिए 2 और 7 का आपस में गुणा करेंगे और वर्गमूल संख्या जो है वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे। इसके लिए हमने 2 और 7 को एक कोष्टक में गुणा करने के लिए लिखा गुणित, फिर वर्गमूल की जो संख्या है वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 को एक कोष्टक में लिखा, बराबर 2 × 7 = 14 गुणित वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 2 के लिए हम वर्गमूल के चिन्ह में 3 गुणित 2 को वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिखेंगे, बराबर 14 वर्गमूल 3 × 6। तो 2 वर्गमूल 3 गुणित 7 वर्गमूल 2 का गुणा जो है हमें प्राप्त हुआ 14 वर्गमूल 6। यह इस उदाहरण का हल होगा। 3, कोष्टक में 2 धन वर्गमूल 5, दूसरे कोष्टक में 2 ऋण वर्गमूल 5। दो धन वर्गमूल 5 जो कि पहले कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में है 2 ऋण वर्गमूल 5, इनका हमें गुणा ज्ञात करना है। गुणा करने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इसमें हम सर्वसमिका का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमने सर्वसमिका जो जानते हैं हम कि चूंकि a धन b a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है। अब यहाँ पे हम 2 को a मानेंगे, धन b जो है हमारे पास वर्गमूल 5, ये पहला कोष्टक। दूसरा कोष्टक में a ऋण b, तो यहाँ पे हम a जो है हमारा 2 ऋण b जो है हमारा 5। अब यहाँ पे हम इस सरसमीका का प्रयोग करेंगे, a धन b गुणित a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो अब यहाँ पे a जो है हमारा 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग ऋण। अब यहाँ पे है b का वर्ग, तो b क्या है हमारा बच्चों, वर्गमूल 5। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे b है हमारा वर्गमूल 5 का वर्ग, बराबर 2 का वर्ग जो है 2 गुणित 2 लिख सकते हैं और वर्गमूल 5 का वर्ग जो है वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5 होता है, बराबर 2 गुणित 2 4 ऋण वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5 बराबर 5 होता है। क्योंकि वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5 को हम वर्गमूल 5 गुणित
पाँच के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल में पाँच गुणित पाँच, दो ऐसे जोड़े हैं पाँच के, तो यहाँ पे वर्गमूल से पाँच बाहर आता है। तो वर्गमूल पाँच गुणित वर्गमूल पाँच बराबर, हमने देखा कि इसका जो उत्तर है हमें पाँच प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमने वर्गमूल पाँच गुणित वर्गमूल पाँच बराबर पाँच लिखा, बराबर चार ऋण पाँच बराबर ऋण एक। इस तरह से हमने देखा दो धन वर्गमूल पाँच और दो ऋण वर्गमूल पाँच, जिनका गुणा जो है वह ऋण एक प्राप्त हुआ। यह इस उदाहरण का हल होगा। चार कोष्टक में वर्गमूल सात धन वर्गमूल तीन, दूसरे कोष्टक में वर्गमूल दो धन वर्गमूल पाँच। हमें गुणा करना है वर्गमूल सात धन वर्गमूल तीन, जो कि पहले कोष्टक में है, इसका गुणा जो है हमें वर्गमूल दो धन वर्गमूल पाँच से। ये कोष्टक के दोनों संख्या जो है इसे आपस में गुणा करना है। तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सरसमीका हमारे नहीं लग रही है। इसके लिए जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक की का पहला पद है हमारे पास वर्गमूल सात। अब हम वर्गमूल सात जो कि पहला पद है उसे पहले लिखेंगे, और दूसरा कोष्टक वर्गमूल दो धन वर्गमूल पाँच, इसे हम इसके वर्गमूल सात के सामने पे लगाएंगे, इसको गुणा करेंगे, फिर धन वर्गमूल तीन का गुणा फिर से दूसरे कोष्टक के संख्याओं से गुणा होगा। तो हमने दूसरा कोष्टक वर्गमूल दो धन वर्गमूल पाँच को लिखा। तो वर्गमूल सात धन वर्गमूल तीन का गुणा वर्गमूल दो धन वर्गमूल पाँच से गुणा करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, पहला पद है हमारा वर्गमूल सात जिसको हमने लिखा, उसके बाद दूसरे कोष्टक को हमने सामने पे लिखा क्योंकि हम इससे गुणा करेंगे, फिर वर्गमूल तीन को पुनः दूसरे कोष्टक से गुणा करने के लिए धन वर्गमूल तीन को लिखा और दूसरा कोष्टक इसके सामने रखा। अब जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल सात गुणित वर्गमूल दो, धन वर्गमूल सात गुणित दो हुआ वर्गमूल सात गुणित वर्गमूल दो, धन वर्गमूल सात को फिर से वर्गमूल पाँच से गुणा करेंगे तो वर्गमूल सात गुणित वर्गमूल पाँच, धन अब वर्गमूल तीन को फिर कोष्टक की दोनों पदों से गुणा करेंगे, तो पहले वर्गमूल तीन गुणित वर्गमूल दो, धन धन को जब गुणा करेंगे तो धन वर्गमूल तीन गुणित वर्गमूल पाँच बराबर, यहाँ पे हम वर्गमूल सात गुणित दो वर्गमूल के अंदर ले लिए, धन पुनः वर्गमूल सात गुणित पाँच, धन वर्गमूल तीन को गुणा करना है वर्गमूल दो से तो ये आ जाएगा वर्गमूल तीन गुणित दो, धन वर्गमूल तीन को जब हम वर्गमूल पाँच से गुणा करेंगे तो वर्गमूल के अंदर में तीन गुणित पाँच लिखे बराबर, ये हुआ वर्गमूल सात दुनी चौदह, धन वर्गमूल सात पंचे पैंतीस, धन वर्गमूल तीन दुनी छः, धन वर्गमूल तीन पंचे पंद्रह। अब ये जो है हमारा दो संख्याओं का जो गुणा है उसका यह हल है, यह इस उदाहरण का हल होगा।